हाथ में प्लास्टर है, नमाज किस तरह पढ़े मुसाब? जी, अगर हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है तो नमाज की अदायगी के दौरान जो अफ़ाल या अमाल हाथ के ज़रिए से करने हैं तो आम तौर पर वो अमाल मसनून हैं। जैसे अगर क़याम की हालत है तो तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाने हैं या हाथ बांधना है, रुकू में जाना है तो हाथ घुटनों के ऊपर रखना है, तो ये तमाम मसनून अमाल हैं। तो अगर मुमकिन हो वो हैयत या वो सूरत इख्तियार करना तो वो सूरत इख्तियार करना ये अफजल बेहतर अमल होगा। लेकिन अगर वो हैयत या वो सूरत इख्तियार करना मुमकिन ना हो तो उसको तर्क कर दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया।